दोस्तों, दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर पेरिस में एफिल टावर के सामने तस्वीर खिंचवाना हर किसी का सपना होता है, और एफिल टावर का सीन किसी भी मूवी में बताए गए बेहतरीन रोमांटिक मूवी सीन से कम नहीं है। लेकिन क्या आप यहां से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं? जैसे यहां तीनों मंजिलों पर जाने की एंट्री फीस और इन तीन मंजिल पर दिखने वाली दिलचस्प चीजें, और इसे कब और क्यों बनवाया गया, इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ आए दिन जमी रहती है, क्योंकि एफिल टावर फ्रांस की आन बान शान है। एफिल टावर को एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के रूप में जाना जाता था। जिस तरह से दुनिया भर में भारत का ताजमहल फेमस है, उसी तरह फ्रांस का एफिल टावर भी विश्व में लोकप्रिय स्मारक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है, एफिल टावर में किए जाने वाले पेंट का वजन लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर है। इसके अलावा एफिल टावर को बनाने के दौरान एक शर्त ये भी रखी गई थी कि इस संरचना को बनाने के बाद इसे 20 साल बाद नष्ट कर दिया जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये यादगार स्मारक अभी भी स्थित है? तो चलिए दोस्तों, आज आपको दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर चुके फ्रांस की शान एफिल टावर से जुड़ी रोचक व दिलचस्प जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। ये न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि ये फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। पूरी दुनिया में अजूबों की लिस्ट में शामिल फ्रांस की शान एफिल टावर के निर्माण की शुरुआत पेरिस की शैंप दे मार्स नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 में की गई थी। एफिल टावर की बनावट को डिजाइन किया था प्रसिद्ध इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने। इस टावर को बनाने की शुरुआत ही इन्हीं के नाम से हुई। पूरी दुनिया में अपनी बनावट से लोकप्रिय एफिल टावर के निर्माण में पूरे 2 सालों का समय लगा। साल 1887 में शुरू किए गए इस टावर का निर्माण 1889 तक चला। पूरे 2 सालों के बाद आसमान को छूते हुए 324 मीटर ऊंचे इस खूबसूरत टावर का निर्माण हुआ, और ये उस समय की सबसे ऊंची इमारत मानी गई थी। इस टावर के सबसे ऊपरी माले पर पहुंचने के लिए आपको करीब 1665 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, और इस टावर पर लगी लाइट्स के डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है। एफिल टावर का निर्माण 300 कारीगरों ने साथ मिलकर किया था। इसे बनाने में 18,038 लोहे के टुकड़े और 2.5 मिलियन कील का इस्तेमाल हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एफिल टावर को फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में बनाया गया था। इस टावर को बनाने से पहले फ्रांस की सरकार ने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसे ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया गया। सरकार द्वारा दिए गए शर्तों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर मॉरिस क्वेचली और एमिली नेगुइयर ने एफिल टावर के डिजाइन और ढांचे पर काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर टावर के लिए कई अलग अलग तरह के डिजाइन पेश किए। इन डिजाइन्स को कई विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। कुछ लोगों ने इसकी सराहना की, वाह बहुत अच्छा है, वाकई में बढ़िया, तो कुछ लोगों को ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अरे ये क्या बना दिया। इसके बाद दोनों इंजीनियर्स ने एक लंबे समय तक टावर के डिजाइन में काफी सुधार किया, फिर भी बात नहीं बनी। इसके बाद इस टावर को बनाने में जाने माने आर्किटेक्चर और इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुस्ताव एफिल वही शख्स हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को डिजाइन किया है। गुस्ताव एफिल ने सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन डिजाइन का निर्माण किया। इसके बाद ऐसी करीब 107 डिजाइन्स में से गुस्ताव एफिल के डिजाइन का चुनाव हुआ। गुस्ताव ने पेरिस के मशहूर एफिल टावर के इस डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया। साल 1884 में इस डिजाइन को प्रदर्शनी में रखा गया। हालांकि एग्जीबिशन में इस डिजाइन को कंपनी के नाम पर ही रखा गया। 30 मार्च 1885 को कंपनी ने गुस्ताव को इस डिजाइन से संबंधित बनावट और समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। गुस्ताव ने ये कहा, ये टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियर्स की कला होगी, बल्कि ये विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुस्ताव एफिल को टावर के निर्माण की जगह को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें कई सारे नियम तय किए गए थे। उनके मुताबिक एफिल टावर में सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा, और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी ही करेगी। एफिल टावर के निर्माण के करीब 20 साल बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 साल बाद एफिल टावर के किए गए तकनीकी परीक्षण में इसकी गुणवत्ता और मजबूती को सही पाया गया,
और अब तक हुई कई परीक्षाओं में एफिल टावर को किसी भी तरह की हानि के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसी वजह से आज भी एफिल टावर पेरिस की शान में मजबूती से खड़ा है। और दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने इस टावर के निर्माण के लिए करीब 1.5 मिलियन की राशि सहायता के लिए प्रदान की। साल 1889 में टावर का निर्माण पूरी तरह खत्म हुआ। गुस्ताव एफिल ने जैसा सोचा था, बिल्कुल उसी तरह से एफिल टावर का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और अंत में इस टावर का नाम इन्हीं इंजीनियर के नाम पर एफिल टावर रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस टावर के निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर गुस्ताव ने काफी रुपए कमा लिए थे, लेकिन जब इस टावर के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम आया तो गुस्ताव ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। फिलहाल टावर बेहद ही मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप रात के समय एफिल टावर की फोटो नहीं ले सकते। जी हाँ, पेरिस में इसे गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि एफिल टावर में लगी लाइट्स पेरिस के कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आती है। अगर आप रात में एफिल टावर की तस्वीरें खींचना चाहते हैं, तो आपको कॉपीराइट कानून के तहत तस्वीरें खींचने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। और दोस्तों, एफिल टावर में पर्यटकों के घूमने के लिए 3 लेवल बनाए गए हैं, जिसमें से पहले और दूसरे लेवल पर रेस्टोरेंट व शॉपिंग की सुविधा है। टावर का सबसे ऊपरी लेवल सतह से 276 मीटर ऊंचा है और साथ ही इसकी छत को पर्यटकों के लिए नायाब तरीके से सजाया गया है। एफिल टावर का कुछ हिस्सा सर्दियों में 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एफिल टावर मेटल से तैयार किया गया है और मेटल सर्दियों में सिकुड़ता और गर्मियों में फैलता है। एफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर ऊंची है और मंजिल पर एक साथ लगभग 3000 पर्यटक घूमने के लिए आ सकते हैं। इस मंजिल पर पर्यटकों के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन है। इस दूरबीन से आप शहर के अन्य नजारों का भी मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा पहली और दूसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहां आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। एफिल टावर अपने समय में बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन सन 1930 में बनी न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग ने ऊंचाई के मामले में इसे हरा दिया। 1944 में जब मिस्र राष्ट्रों ने पेरिस का रुख किया, तो उस दौरान हिटलर के द्वारा शहर के अन्य हिस्सों के साथ इस टावर को भी ध्वस्त करने के लिए पेरिस के सैन्य गवर्नर डिट्रिच वॉल चॉलिट्स को आदेश दिया गया था, लेकिन जनरल ने इस टावर को गिराने से साफ मना कर दिया था। नहीं नहीं, इसे नहीं गिराएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आपको इस वीडियो के अंदर कौन सी रोचक बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।